वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी जी के घर पर, यानी अपने मैके के। और आज मैं जा रही हूँ अपने नए घर पर, यानी हसन नानू के नए घर जा रहे हैं आज हम लोग। तो जी, अब आप लोग हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि पुराना घर जो है वो बिल्कुल खाली कर चुकी है मम्मी। और आज मैं आपको पूरा टूर करवाऊंगी अपने मम्मी के घर का, इंशाल्लाह ताला। और दिन में इसलिए हम लोग नहीं निकले, और पीछे लाइट जा चुकी है क्योंकि गर्मी बहुत थी, इसलिए हम दिन में नहीं गए। और अब हम चलते हैं। चलें जी। अच्छा अम्मी, ठीक है, मैं जा रही हूँ। सही है, सही है। अम्मी क्या बना रही है? अम्मी बना रही है, मिर्चे भर रही हैं। कब तक आऊँगी? अम्मी बस थोड़ी देर में आ जाऊँगी, अभी चक्कर लगा कर। हसन का पेपर है कल, ओरल है। ठीक है अम्मी, अच्छा सही। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अम्मी, ये इंतज़ार कर रहे हैं बाहर मेरा। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। मेरे हस्बैंड ले रहे हैं अभी पेट्रोल, पेट्रोल करवा रहे हैं वहाँ पर पीछे। कहाँ कहाँ गिर रहे हैं, गिर रहे हैं पीछे, पेट्रोल फिल करवा रहे हैं। और यहाँ और हमें मिला लॉक। मैं समझी थी शायद कोई होगा, लेकिन लॉक लगा हुआ है। खैर, क्या हुआ सन? नानो के घर ही तो आए थे। आप चलो नानो के नए वाले घर चलते हैं। ये नया घर नहीं है, चलो नए के घर चलते। हम जा रहे हैं अपना पुराना महल्ला छोड़ के, अंधेरा हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, और हम आ गए नए वाले घर में नानो के। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मम्मी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अंधेरे में आई है? हाँ, अंधेरे में आई हूँ। आप कैसी हो? अल्लाह का। गर्मी में देखो कैसी हालत हो रही है अभी। हाँ ना, खाना बना के चुके ना। अच्छा, सेट नहीं हुआ है अभी, थोड़ा बहुत है ना। अरे अभी तो बस फिटिंग हुई है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हो पापा? सो रहा है वो? ये हमारा काम। अच्छा जी, लाइट आएगी ना फिर दिखाऊंगी। तो जी, अब मैं आपको करवाती हूँ अपने मम्मी के न्यू घर का, नए घर का सैर की, सैर न्यू घर की सैर। तो आ जाए चलते हैं, आ जाओ चलते हैं। हसन को कैसा लगा नानो का नया घर? एंटर होते ही जो है ना, ये है किचन, जिसके अंदर आज मम्मी ने बनाया है। क्या बनाया है आज मम्मी ने? बनाया है ओह, खिचड़ी बनाई थी जो कि अभी खत्म हो चुकी है। अच्छा, ये छोटा सा किचन है, और कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, इन्होंने अभी सेट करना है, रह गया है। तो किचन सेट होगा, उसके बाद ये कमरा पड़ता है। तो जी, ये कमरा है जिसके अंदर मम्मी ने ये सोफ़ा रख लिया है अपना, और ये कबर्ड रख ली है। अभी जो है ना, ये सेटिंग नहीं हुई है। ये फ्रिज आ गया है इनका यहाँ पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये फ्रिज जो है ना, ये मम्मी के जहेज़ का फ्रिज है, ये शुरू से मम्मी के पास ही है माशाल्लाह से। और सेम ऐसा ही जो है ना, मेरी खाला जानी के पास भी है। इन लोगों का सेम फर्नीचर वगैरह था। अच्छा, घर के जो कर्टन्स थे वो मम्मी ने यहाँ भी डाल लिए हैं, ये देखें। अच्छा, ये घर के कर्टन्स डाल लिए हैं, और ये वही घड़ी। और यहाँ से ना, मतलब इसके अंदर से ये देखो, ये एक और कमरा एंटर होता है ना। और ये सामने बैठी है हमारी पुप्पो। कैसी हो पुप्पो? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो लोगों को? पुप्पो रुकी हुई हैं अभी हमारे घर पर, क्योंकि अभी शिफ्टिंग विफ्टिंग चल रहा था ना, तो पुप्पो इसलिए रुक गई हैं। हमने पुप्पो को रोक लिया था, है ना पुप्पो? क्या हुआ, नाराज़ हो? अच्छा जी, ये कवर्ड आ गई, ये आ गया मम्मी का बेड वगैरह जो भी चीज़ें हैं। और यहाँ जो है ना, यहाँ मुंदा बैठी है मुझसे। सही होता, शोकेस दे दिया मम्मी ने। कैसी हो मम्मी? अल्लाह का शुक्र है। मेरी मम्मी कमज़ोर भी हो गई बहुत ज़्यादा,
क्या करें, घर चेंज क्या है, कुछ भी हो रहा है। चलो कोई नहीं, अल्लाह अच्छा नेमुल बदल अता करेगा। और यहाँ हुसैन सो गए हैं। हुसैन पता ही क्या कर रहा था, हुसैन पूरे घर में गोल गोल घूम रहा था, यहाँ से निकल रहा था, वहाँ से निकल रहा था, वहाँ से आ रहा था, दोनों गेट आर पार है ना, तो उधर से गोल गोल घूम रहा था। थक गया और अब थक के सो गया। एक घंटे से खेल रहा था, लाइट नहीं थी तो। अब थक के सो चुका है बच्चा, लाइट नहीं थी तो सो गया। हाँ तो जी ये है पूरा घर माशाल्लाह से। क्या हो रहा था हसन, कैसे कर रही थी पुप्पो? हसन कौन है आपके पीछे? पुप्पो जान, शर्म आ रही है। ये पुप्पो जान है इसकी, अभी तो शर्म आ रही, कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। व्यूअर्स जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तीन खातून में बैठी हुई हैं, अब दो बैठ गई हैं और ये मुझे गोल गोल घुमा रहा है। ये हसन मुझे गोल गोल घुमा रहा है। नहीं लग जाए। अच्छा फूफो, तो आप लोग आप शिफ्टिंग के लिए आएंगे है ना? अच्छा ये जो घर लिया है ना मम्मी ने, ये रेंट पे लिया है, जो हमारा अपना घर है ना, जो अभी हम लोगों ने आधा सेल किया है और आधा जो है ना हमने आधा बन गया, अब इंशाल्लाह ताला बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग रेंट पे रहेंगे, फिर इसके बाद जो है ना अपने घर में शिफ्ट होंगे। तो ये हमारा अभी फिलहाल नया घर, फिलहाल के लिए कुछ महीनों के लिए ये घर है, जब तक हमारा अपना नहीं बन जाता। क्या कहती हूँ उसको, है ना, वो याद आ रहा है ना? अपने घर की तो बात अलग होती है, जाहिर है अपना घर अपना होता है। और पुप्पो की बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हुई है इस घर से, है ना, यादें जुड़ी हुई है। जरा अपने घर की जो एक छोटी छोटी चीजों की भी यादें होती है ना, जरा जरा सी भी चीजों की, सहन अपना जो हर चीज होती है ना, वो सब कुछ। अब तो जी अपने घर का हर एक चीज कोना कोना भी याद आता है, जो वजह से हमारी यादें जुड़ी भी होती है। अब आधा घर तो हम वापस आए नहीं, जो हमारा सहन वाला साइड था ना, वो घर हमारा सेल हो चुका है। और जो इस साइड वाला साइड है ना, जहाँ हमारे कमरे थे, तो हाफ हमारे पास है अब, और हाफ घर के जो है वो हम लोगों ने हिस्से वगैरह दे दिए, जितना भी जिनका भी था, सबका पप्पू वगैरह का सबका हिस्सा वगैरह दे दिए। इन्होंने अपना हिस्सा नहीं लिया, ये सबसे छोटी हमारी, सबसे यानी ये पापा की बेटी है, बहन नहीं है, ये बेटी है। पापा कहते हैं ये मेरी बहन है प्यारी सी, तो इन्होंने जो है ना पापा से कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। बाकी इनकी सब तमाम बहनों ने जो है इससे वगैरह उनको हमने जो है ना दे दिया, अपनी तमाम पुप्पो वगैरह को। तो जी बस यही था, और बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरे पेरेंट्स के लिए आसानी हो उनका घर बनने में, है ना। तो अब बनना शुरू होगा, अभी तो फिलहाल टूटा नहीं है, बस टूटना कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज मैं मम्मी के पास यहाँ मिलने आई थी, लोगों की शिफ्टिंग वगैरह सब कर ली, लेकिन अभी भी सामान सेट नहीं हुआ है, क्योंकि आज और कल में ही कुछ सामान आया है। आगे थोड़ी घर हमारा थोड़ा इसी गली से, यानी बैक साइड हमारी गली के साइड पे हमारा पुराना वाला, यानी हमारा असली वाला घर है। तो जी बस जो भी है अभी सामान वगैरह सेट करना है, सारी चीज़ें रखनी है इन लोगों को, तो सारे काम चल फिर रहे हैं। आपको अभी मैं मम्मी से भी मिलवाती हूँ, मम्मी दूध उबालने गई हुई है, मम्मी दूध उबाल कर आती है, तो मैं आपसे मम्मी से भी बात करवाती हूँ। पुप्पो आज गई हुई थी अपनी सहेली के घर, अच्छा हाँ मजे की बात हो तो बताओ, पुप्पो गई हुई थी अपनी सहेली के घर अपने सहेली से मिलने। अब मैं आई हूँ, पुप्पो घर में थी नहीं, मैंने कहा पुप्पो कहाँ गई, तो पता चला पुप्पो गई हुई थी क्या बनाने, चुलाव बनाने। आओ मैं आपको पुप्पो का चुलाव दिखाऊंगा। पुप्पो बनाकर लाई थी वहां से चुलाव अपनी सहेली के घर पे, कुकिंग करने गई थी। उनको दिल चाह रहा था, ससुराल में करती होंगी ना कुकिंग डेली डेली, तो बस चाह रहा होगा कि कुकिंग करूं। तो ये देखो चुलाव मजेदार सा ये बनाकर लाई उधर से, और ये देखो, और इस चुलाव के तो सब दीवाने। इसमें पुप्पो क्या क्या होता है बताओ? सारी वही चीजें डलती है, सिर्फ वो नहीं डलते आलू, आलू नहीं डलता इसके अंदर, ना ये ताहिरी है बगैर गोश्त की, और ना ही ये बिरयानी है, ये है चुलाव, ना ये बिरयानी। इसके अंदर गोश्त होता है, ना चिकन होती है, ना इसके अंदर आलू होता है, ना छोले होते हैं, इसमें कुछ नहीं होता, ओनली ये चावल होते हैं, इसे कहते हैं चुलाव, जो कि बहुत ही ज्यादा यम्मी होते हैं। खा कर आई है, हाँ आपको खानी है बेटा, दस स्पून लेकर आओ मैं आपको खिलाऊँ। और ये देखो कितने मजेदार से बनाए पुप्पो, लोग बोलेंगे आप इसकी रेसिपी दें तो बता दो। वैसे ये बिरयानी का मसाला है सारा, सारा बिरयानी का मसाला है, सिर्फ इसके अंदर गोश्त नहीं है, गोश्त बिना गोश्त की आलू की बिरयानी है ये। उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी है, अभी थोड़ी देर में इसको खाते हैं। अच्छा मम्मी आ गई, आप दूध उबाल के, है ना, हसन को फीडर पीनी थी, और दूध उबला हुआ नहीं था ना, दूध उबला हुआ नहीं था, आज ही दूध खत्म हो गया था। हाँ आप कितनी थकी भी लग रही हो, क्या हो गया? आज पूरा घर खाली हो गया, बिल्कुल सब चीजें की चीज निकल गई,
तो मम्मी आप इतनी सेंटी क्यों हो रही हो? देखो इतनी सेंटी नहीं होते हम, है ना आपके साथ, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अल्लाह है सब लगे, सही कहा बेटा, लेकिन जब इंसान के अपना रहता है इतना सब कुछ किया ना, तब अब खाली हुआ ना तो लग रहा था एक एक चीज निकली है। अल्लाह मम्मी अब पता है क्या हो, अब देखो अल्लाह पाक हमें बेहतरीन नेमुल बदल अता करेगा। पता है आपने जो काम किया है ना, मैं आपको बताऊं, आपने जो काम किया है ना वो बड़े बड़े लोग नहीं करते। बड़े बड़े जो होते हैं ना, यानी जिनके पास बहुत भी होता है ना, उनका भी ईमान डगमग डगमग हो जाता है। आप ये सब लोग भी आपका साथी देंगे, क्योंकि जो है ना किसी को देना, हिस्सा देना, यानी आप देना बहुत बड़ी बात होती है। आपने खास तौर पर देखो नंदों को देना, नंदों माएं अपने बच्चों को तो दे देती हैं, बना अपने उस औलाद को माँ बाप के बाद देना बहुत बड़ी बात होती है। और नहीं एक बात और, पापा ने कभी भी हमारा घर जो था ना, यानी उसी कंडीशन में था, कभी नहीं सोचा था कभी भी आधा सेल कर और आधा हमें देना पड़ जाए। हाँ, या पापा ये भी कर सकते थे, क्या दो साल भी सकते थे। दो साल पापा बीमार रहे ना, पापा की दो बीमारी में इतना पानी की तरह पैसा उठाया, जब भी ये नहीं सोचा कि इस घर को हम सेल करेंगे। हाँ लेकिन अब जब एक दफा किसी के मुंह से निकल जाना तो मैं नहीं चाहती, एक दफा के या दस दफा के, जब जब मुंह से निकल गई बात तो फिर देना है। मम्मी देखो आपने बहुत अच्छा काम किया, उनका हक था, उन्होंने ले लिया। बेशक बेशक, अब किसी को किसी का इतना नहीं होता, कोई माफ कर देता है, दिल के सबके जैसे ही होते, बड़े जैसे पप्पो। हाँ जैसे पप्पो, इन्होंने हमारा साथ बहुत दिया, ये हमेशा साथ देती हैं। ये पप्पो जो है ना पापा की सच्ची वाली बेटी ही है बिल्कुल, यानी हम लोग जो है ना बहनों की तरह ही हैं, बिल्कुल सच्ची वाली। ये बहुत रोई है ना, ये अभी तक हमेशा है। और ये अभी हमें घर भी चेंज करना हुआ तो यही आई है, एक एक सामान उठा रही है और इसका दिल भर रहा है कि हाँ मैंने यहाँ बचपन गुजारा, ये किया होता है इंसान को, कहते हैं कि चीजों से लगाव नहीं होता, कोई कोई चीजें भी जगहों से भी हो जाता है, अपनी जगह से मोहब्बत हो जाती है। अब वो हम देख रहे हैं, हमारा एक बड़ा सा सहन था जो कि अब नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, हमारा घर छोटा हो जाएगा, लेकिन क्या है, बस क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह पाक का वो होना चाहिए, बस अल्लाह करम करे अपना देना। भले घर छोटा हो गया है लेकिन है ना, मैं ये नहीं चाहती थी कि इतनी वो दिल तंग नहीं हो, दिल तंग ना हो। इन्होंने कहा कि मुझे देना है तो मैंने कहा देना है तो दे दो। अल्लाह पाक का इतना करम नवाजी है आप पे, देखो आपने, आपको अल्लाह ताला ने देने वालों में से चुना है ना, बेशक आप देने वालों में से हो, मांगने वालों में से नहीं। अल्लाह पाक का कितना करम है, बस मैं यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना बस अपना मोहताज रखे, अपने सिवा किसी का ना रखे। बेशक बेशक, हम उसी के आगे हाथ फैलाएं। अल्लाहुम्मा आमीन। आप परेशान नहीं हो? अरे नहीं बेटा, नहीं परेशान हो रही, इतनी सी भी परेशान नहीं हो। मैंने कभी नहीं मरी, न कभी धन पर, न पैसे पर, न किसी पर, मेरे को कभी कोई ख्वाहिश नहीं उभरी कि मैं बहुत आलीशान महल में रहूं या इसमें से आई हूं, मैं महल से आई हूं, मैं बहुत ऐश वाली जिंदगी गुजार कर आई थी। मैंने बहुत जो भी है ना, मेरे बचपन बहुत ऐश में गुजरा, मैं इतने ऐश में गुजार कर आई थी, मैं अपने सर का एक रिबिन नहीं धोती थी, जो मैं अब तक आज तक सर में रिबिन बांधती हूँ ना वो तक कभी नहीं धोती। लेकिन होता है शादी के, इंसानी जिंदगी चेंज होती है, चेंज होती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन वो भी आपने बहुत खुशी से उस लाइफ को अपने दिल से लगाया, गले से लगाया है ना, और माशाल्लाह सबको हमेशा जोड़े रखा, सबकी दावतें करना, सब कुछ करना, भरा पूरा घर रखा। बस अब क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला की जो मसलियत, जो मसलियत अभी भी यही है कि अल्लाह ताला बस इसी तरह दस्तरखान सजवाते रहे। बेशक बेशक, अभी भी माशाल्लाह इतनी बड़ी दावत करी है अल्लाह पाक, इसी तरीके से अल्लाह ताला बस करवाता रहे, इसी तरीके से हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे हमेशा से। हमारी क्या औकात है, आने वाले खुद अपने नसीब का खाते हैं, हम उनके नसीब का खा रहे होते हैं, वो उनकी वजह से पकता और हम इतने खा लेते हैं, वरना एक वक्त में हम इतने खाने कब बनाते। हाँ तो ये क्या, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना कल से जो ना घर टूटना शुरू। हाँ और अब हम खाली हो गया, अभी रात हो गई, वरना मैं दिखाती इतना साफ सुथरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है बस हमने कलर के लिए छोड़ा है उसको, कहीं से कोई मट्टी नहीं कोई नहीं। लोग ऐसे घरों को छोड़ते हैं कि टूट रहा है कि इसमें सामान कचरा नहीं, अभी भी दिखाती ना मैं ऐसा साफ सुथरा चंदन से पड़ा दर बिछा कर और यूं ही नमाज पढ़कर जोर के हम आ गए। तो कल तक हम, आज तक हम वहीं से घर से नहा धोकर आए। हाँ
और ये उधर का एरिया नहीं टूट रहा, अब कल से इंशाल्लाह ताला होना शुरू हो जाएगा, तोड़ना शुरू कर दे, फिर इंशाल्लाह ताला काम शुरू हो जाएगा। तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाती रहूंगी। और सेकंड ये कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, मम्मी आप भी शुक्र के डिफिल अदा करो, मैं भी शुक्राने के अदा करूंगी कि अल्लाह ताला ने जो है ना इससे नहीं इस फर्ज से आपको जो है ना अदा करवा दिया कि आपने सबके हिस्से अदा कर दिए माशाल्लाह से, अपनी साई नंदो के हिस्से अदा कर दिए। पप्पो ने खुद से जो है ना अपनी मोहब्बत से, आखिरी वाली सबसे छोटी पप्पो ने जो हमारे साथ लुकना पप्पो है, उन्होंने बस ये कहा कि मैं नहीं लूंगी अपनी मोहब्बत से, उन्होंने मोहब्बत है कि उसने उन्होंने कहा नहीं मैं अपने भाई पे, लेकिन हमारा यही है दिल कि हम अगर हो गया तो इसका भी अल्लाह ने करा तो इंशाल्लाह इसको भी दे दे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, और अल्लाह पाक इनको इससे ज्यादा अता करे, इसके बेहतरीन नमूल बदल दे, बेहतरीन तरीन, और इनको ढेरों खुशियां दिखाए, इनकी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, अल्लाह से बेहतरीन नेमुल बदल, इनको ढेरों ढेर खुशियां अता करे जिंदगी में, कोई परेशानी ना आए, कोई गम कभी ना आए, हमेशा खुश रहो। चलो जी, तो ये थी थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़ी सी शेयरिंग जो कि घर के हवाले से जिंदगी में आता है, स्ट्रगल करता है कोई, शुरू में करता है कोई, बीच में करता है, और किसी की किस्मत में अल्लाह लिखता ही नहीं है, उसे खुशियों से ही लिखता है, बस अल्लाह पाक सब अल्लाह पाक में आसानियां करे। तो बस अब कल है हसन का पेपर और मुझे घर जाना है जल्दी, तो अब बस मैं मोमिन का इंतजार कर रही हूँ, मोमिन आएगा तो फिर मैं अब घर जाऊंगी, क्योंकि कल उसका पेपर है। हाँ, ना आसिफ की सुबह की है ना, तो वो सो रहा है अभी, वो क्योंकि उसके काम भी किया है ना उसने आज, तो थक गया, थक गया, वो शिफ्टिंग वगैरह में कितना सामान होता है ऊपर नीचे, घर शिफ्ट करना बहुत आसान नहीं है, घर को शिफ्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, वो सब काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला हमें आपके साथ। हाँ, और घर तो खैर एक दिन में ही इन लोगों ने सारा सामान रख दिया था, लेकिन हम ही को अभी सामान समेटते समेटते बहुत टाइम लगे जा रहा है। हसन को तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है इस घर में, इधर से उधर, उधर से इधर, दरवाजों से ऐसे घूम रहा है ये भैया। नाना की गोद में खुशी हो रही है इसको, सोकर उठे ही है अभी, मुंता के पीछे लग रहा है, मुंता से कह रहा है गोद में ले लो, जाओ मुंता ले लो इसको गोद में। कैसा आते ही मोमिन से चिपका है ना, मोमिन हुसैन, हुसैन ऐसे चिपक गए मामू के साथ, मामू के साथ चिपक गए मैं भाई, चलो चले मामू के साथ घर चले। मोमिन किसकी दवाई लाया? पापा की दवाई। अच्छा, मोमिन की ड्यूटी होती है रोजाना दवा लेकर आने की? नहीं, एक महीने की। अच्छा, एक महीने की ले आता है? अच्छा अच्छा, देखो पीछे से आवाज आ रही है, दौड़ा 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 हुसैन और हसन दौड़ा, और क्या हो रहा है हसन? तो जी अब हम जा रहे हैं घर पर, और मुंताहा और पप्पो जो है मेरे साथ जा रही है, पप्पो और हसन की मुसलसल कुछ ना कुछ चल रही है। हाँ, अच्छा मम्मी मैं जा रही हूँ, सही है, अच्छा मम्मी सही है, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना और बिल्कुल परेशान नहीं होना, सही है, आपके लिए आइसक्रीम भेजूंगी मुंताहा के हाथ। अभी हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, तो चलो भाई मुंताहा को साथ लेके जा रहे हैं, मम्मी पापा के वजह से यहीं पर ही हैं, मोमिन हमारे साथ है और हसन और पप्पो हमारे साथ। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, मुझे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है मोहतरम हुसैन। तो मम्मी को अल्लाह हाफिज़ के मैं और मुंताहा और मोमिन जो है हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। असल में मकसद मेरा ये था कि पप्पो भी आई हुई हैं, थोड़ा इन्जॉय कर लेंगी, ज़ाहिर इस टेंशन वाले माहौल से थोड़ा सा रिलैक्स होंगी, और सेकंड ये कि मम्मी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मम्मी तो जा नहीं सकती थी, तो मैंने ये कहा कि मम्मी के लिए आइसक्रीम यहाँ से ले जाएंगे, और बस यही सोचा था कि मम्मी थोड़ी सी खुश हो जाएंगी, इस स्ट्रेस से निकल पाएंगी, क्योंकि मम्मी जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी हैं, ज़ाहिर है हर कोई परेशान होगा जब वो इस स्ट्रगल वाली लाइफ से गुजरेगा, या इस फेज से जो भी गुजर रहा होगा तो वो परेशान होगा। मेरे पेरेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा बेचारे सादा और मासूम हैं, वो जो है ना किसी को कुछ कहते नहीं हैं, बस अंदर ही अंदर स्ट्रेस लेते रहते हैं, ना ही किसी को कुछ कहते हैं, और बल्कि उल्टा उनको लोग बोल के चले आते हैं, तो
उन्हें वो भी उसका भी जवाब जो है ना वक्त पे नहीं देना आता, और ना ही उन्होंने हमें ऐसा हमें तरबियत दी है कि हम किसी को कुछ कहें, क्योंकि वो हमें कहने से मना कर देते हैं कि नहीं मैं हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। तो बस यही सब कुछ, यानी हम कुछ कहना भी चाहें तो हम नहीं कह सकते। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सेकेंड ये कि जब ऐसे करीबी रिश्तों में इस तरीके से ऐसा होता है ना तो दिल बहुत दुखता है। तो मेरे पापा मम्मी अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस वक्त, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना उनकी कंडीशन ऐसी है जैसे कि बिखर नहीं जाते, इस टाइप की सी हुई हुई है। तो मेरे पापा जो है ना बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं हर मामले के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है अभी वो इस फेस पे हैं, क्योंकि बीमारी भी साथ साथ जो है ना झेल रहे हैं। सेकंड ये कि इतने चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान, जब कोई एक बुखार भी होता है ना तो इंसान उसमें चिड़चिड़ा हो जाता है। और सेकेंड ये कि पापा को तो अभी यानी सही से उनका भी हाथ भी वर्क नहीं कर रहा, तो जो है ना मसले मसाइल काफ़ी सारे हैं। तो अल्लाह पाक सारे मसले मसाइल को दूर करके, सब परेशानियों को ख़त्म करके मेरी मम्मी पापा को अच्छा नेमुल बदल अता करे और सबको नेक हिदायत अता करे। बस यही मैं कहती हूँ। और जो है ना जितनी भी परेशानियाँ हैं ना उनकी ज़िंदगी में वो सब ख़त्म हो जाए। मैं हमेशा अपने मम्मी पापा को ये कहती हूँ कि आप परेशान ना हो, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी मम्मी पापा को जो है ना अच्छे से अच्छे मोटिवेट कर सकूँ और उनको बता सकूँ कि हम उनके साथ हैं। अब माशाल्लाह हम बड़े हो चुके हैं मम्मी पापा, हम आपका आपके बाजू हैं, हम आपकी ढाल बन सकते हैं, आप परेशान ना हो। मैं बार बार यही समझाती हूँ अपने वालदेन को, तो बस उनको शायद थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती है वो हमारी बातों से। तो मैं उनके सामने कुछ भी नहीं कहती और मुस्कुराती रहती हूँ और मुस्कुरा के उनको सिर्फ समझाती हूँ, लेकिन अंदर से मेरा दिल भी जो है ना रो रहा होता है, मुझे भी अंदर से जो है ना फिक्र हो रही होती है उनकी। तो बस अब ये लोग आइसक्रीम खा के ये लोग जा रहे थे और मम्मी के लिए लेकर जा रहे थे, और मैं जो है ना मैं जाऊंगी मोमिन के साथ अपने ससुराल, क्योंकि ज़ाहिर है स्कूल जाना है हसन को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी चली जाऊँ, क्योंकि बच्चों को जल्दी सुला दो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, स्कूल गोइंग बच्चों को। तो रास्ते में ये घर वगैरह बन रहे थे तो बस वही जहन में चल रहा था। तो बस आप बताइएगा कि मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।